बिजनेसमैन और विदेशी मीडिया भारत की छवि खराब करने का प्रोपेगेंडा लगातार चला रहे हैं और अब इस कड़ी में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विवादित लेख में प्रकाशित आपत्तिजनक टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया कि देश के खिलाफ काल्पनिक विचार का एजेंडा सफल नहीं होने दिया जाएगा। भारत के खिलाफ विदेशी धरती से जैसे लगातार मुहिम सी चल रही हो, कभी जॉर्ज सोरोस जैसे व्यापारी तो कभी विदेशी अखबार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तो विपक्ष पहले ही देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगा चुका है। अब विदेशी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को लेकर विवादित लेख प्रकाशित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने NYT पर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ये लेख छलावा और काल्पनिक है। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर ये भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत पहले ही भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता के सभी दावों को छोड़ दिया था। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर NYT का तथाकथित ओपिनियन अंश शरारती और काल्पनिक है, जिसका एकमात्र मकसद भारत के बारे में दुष्प्रचार फैलाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में दमनकारी मीडिया नीति, कश्मीर मीडिया आउटलेट्स को डराना और जम्मू कश्मीर में सूचना शून्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे विवादित लेख में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाकी हिस्सों में सूचना नियंत्रण के कश्मीर मॉडल को पेश करने में सफल होते हैं तो ये न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा बल्कि खुद भारतीय लोकतंत्र को भी। इसी लेख को लेकर अनुराग ठाकुर ने सख्ती से कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद भारत उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाना है। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि भारत में लोकतंत्र और हम लोग बहुत परिपक्व हैं। हमें ऐसे एजेंडे से चलाने वाले मीडिया से लोकतंत्र का व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में प्रेस की आजादी के खिलाफ NYT द्वारा फैलाए गए झूठ निंदनीय है। भारतीय ऐसी मानसिकता को भारत की धरती पर अपना निर्णायक एजेंडा नहीं चलाने देंगे। इस बीच राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर हमला बोला है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी भी ये बयान दे चुके हैं कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है। इसी तरह कई देशों में बैन अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर बेतुके बयान दे चुके हैं। फिलहाल इस मामले में विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।